छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के प्रसार के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण के तहत तालाबों की सफाई का कार्य वार्ड 22 ढांचा भवन कुरुत के नखटा तालाब से शुरू किया गया। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर पर्यावरण विभाग प्रभारी नेहा साहू की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के प्रसार के लिए यह कार्य पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजीव युवा मितान क्लब तथा जन सहयोग के द्वारा वार्ड 22 के नकटा तालाब की सफाई करके इस कार्य में वार्ड 21 की पार्षद एवं MIC सदस्य नेहा साहू स्वयं अपने हाथों में झाड़ू थामकर सफाई करती नजर आईं। इस कार्य में वार्ड 21 ढांचा भवन के रहवासियों ने भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। अब यह अभियान प्रत्येक रविवार को निगम क्षेत्र के अन्य वार्डो में भी संचालित किया जाएगा, जिसमें तालाबों की सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी, प्रतिबंधित प्लास्टिक उन्मूलन, छोटे बागवानी से संबंधित जानकारी स्थानीय रहवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा समय में पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, गिरता भूजल स्तर, जलवायु परिवर्तन, पशुधन संवर्धन, जैविक खेती जैसे विषय वैश्विक चिंता के कारण है, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा व्यापक पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखकर उपरोक्त वैश्विक चुनौतियों को दूर करने का एक नवाचार प्रारंभ किया गया है। जी नमस्कार, हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसको लेकर हम एक अभियान चला रहे हैं पर्यावरण विभाग से और माननीय हमारे महापौर जी के निर्देश पर, और हम सभी तालाबों पे हम ये एक सफाई आंदोलन या एक सफाई अभियान जैसा हम लोगों इसमें हम लोगों को भी एकजुट है, उनको भी मोटिवेट करने की हमारी प्रयास है कि हम लोगों को भी मोटिवेट करें ताकि वो अपने आसपास के सरोवर तालाबों को साफ रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, उनमें उसको डालें नहीं। जैसा कि हम कल हमने पहला अभियान हमारा शुरू हुआ है कुरुत के नकटा तालाब से वार्ड 22 में, और वो तालाब में हमने जैसा कि देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभी भी लोग बहुत सारी मूर्तियां उसमें विसर्जित थी। आस्था रहती है लोगों की, लेकिन मैं फिर भी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मिट्टी की मूर्तियां लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एकदम हार्मफुल है पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए, और हम लगातार अब इस अभियान को बढ़ाने के लिए हैं और कोशिश करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। और हमने जो है इस योजना में हमारे इस अभियान में राजीव गांधी मितान क्लब को भी हमने उनका भी सहयोग लिया हुआ है, उनको भी डाला है ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट करें सबको, और निगम के पर्यावरण डिपार्टमेंट ने मिलकर ये एक अभियान चलाने का प्रयास किया हुआ है, और हम आगे भी वार्ड में सभी जगह ये प्रयास करते रहेंगे। जनमानस का किस तरह से सहयोग मिला है? बहुत सहयोग मिला है, एकदम पॉजिटिव है। अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो पर्यावरण को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आसपास के लोग ने आपने अगर देखा ही होगा तो बहुत सारे लोगों ने उसमें आकर सुबह सुबह सफाई में बहुत सहयोग किया है और करते रहेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि नहीं उनको करना है तालाबों धरोहर की करना है करके। इस अभियान में MIC सदस्य नेहा साहू सहित अन्य वार्डों के पार्षदों सहित जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा एवं अंजनी सिंह ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही स्थानीय रहवासियों ने भी आगे बढ़कर अपना श्रमदान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।